अभी मौजूद है, हम जा रहे हैं नागौर के नज़दीक में, और भाई साहब और एक बहुत सारी जो तेजाजी महाराज की मूर्तियाँ बना रहे हैं, तो इनसे जानते हैं किस तरीके से मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं, क्या कुछ कॉस्ट है और किस किस की ये मूर्तियाँ बनाते हैं। वैसे नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? बाबूलाल। बाबूलाल जी, जो आपका ये एड्रेस है वो बता दीजिए सबसे पहले तो। ये विश्व स्त्री गोद चिकित्सालय जोधपुर रोड, रिंग रोड चौराया, नागौर। अच्छा, उसके ऊपर है। तो जैसे कि अभी आपने पीछे मूर्तियाँ बनाई हुई है, ये किस चीज़ की है? ये सीमेंट की है, तेजाजी महाराज की। तेजाजी महाराज की सारी की सारी? हाँ, सारी तेजाजी महाराज। तो आपके एरिया में तेजाजी की ज्यादा चलती है मूर्तियाँ? तेजाजी की ज्यादा चलती है। इसके अलावा रामदेव जी की? रामदेव जी की भी है। तेजाजी महाराज के अलावा अगर और कौन कौन सी मूर्तियाँ बना सकते? सब बनाते हैं हम, जैसे सभी डिमांड हो, जैसी डिजाइन हो वो सब। हाँ, सब डिजाइन, बाबू जी महाराज, जैसे भूमि जी महाराज, एस वाई जेड, जो भी। सालों से बना रहे हो आप? कम से कम हो गया हमको 10-15 साल हो गए। 10 से 15 साल हो गए क्या? तो अभी जैसे ये मूर्ति मैंने बता देता हूँ आपको, दिखाना चाहूँगा। तो किस चीज़ की ये मूर्ति बनी हुई है? ये सीमेंट की सर। सीमेंट की, जैसे कि ये वाला हिस्सा है ना, सीमेंट है ये पूरा का पूरा? सीमेंट है पूरा? पूरा सीमेंट है। 32 mm का पैरों में सरिया है, मजबूती पैरों की है। अच्छा, पूरी। और मतलब जो मतलब इसकी कुछ कितने दिन चल जाती है मूर्ति? ये तो 100 साल कुछ नहीं होती उसको। 100 साल भी कुछ नहीं? नहीं, अभी तो देखो मैंने 30-40 साल हो गए, एक कई मूर्ति लगी है करनाल में, लगी है करनाल में। अच्छा। जो मेन मैदान में लगी है कम से कम हो गए उसको 30-40 साल हो गए, उसको तो कुछ हुआ नहीं आज से आज तक। ये फर्स्ट है क्या? उसके बाद में फिर ये वाला? हाँ, फिर ये फिनिशिंग किस चीज़ से देते हो आप? फिनिशिंग ये पुट्टी करता है, पेंटर आते हैं, पहले ऐसी होती है जो तैयार ही है। अच्छा, पहले ये ऐसी होगी ना, इसमें पुट्टी वट्टी करी हुई? फिर पुट्टी होगी इस पे। ये पुट्टी होगी, इसके बाद में पुट्टी होने के बाद में फिर घिसाई होती है, घिसाई होने के बाद में फिर अस्तर होता है, अस्तर होने के बाद में फिर कलर होता है। अच्छा, ये कलर है? और ये कलर है जो आपने ये कलर लगा हुआ, धूप वगैरह में खराब नहीं होता? नहीं नहीं, धूप में खराब नहीं होता है इसके। यहाँ खुद की मतलब कंपनी की गारंटी है, कलर की 5-10 साल की गारंटी है, मतलब उड़ता नहीं है, पपड़ी नहीं देता है, कहीं खरोच आ जाए तो ज़्यादा नहीं उखड़ता है ऐसा। कहीं क्या खरोच आवे तो वो लंबा फाफड़ा दे देता है, वैसा नहीं है इसमें, जहाँ खरोच आई उतना ही उतरेगा। तो आप जैसे कोई वारंटी वारंटी देते होगे? वारंटी तो देखो आदमी की नहीं है तो मूर्ति की क्या है? अच्छा, मूर्ति की है ये, मतलब ले जाते हैं लेकिन उसका बिगड़ता तो कुछ नहीं, पूरी तरफ से गोल है, पानी कहीं ठहरता नहीं, ये एंगल का फाउंडेशन पूरा लगता है सेट होकर, पूरा सेट हो जाता है चूंतरे पे, फिर ऊपर चूंतरा करते तो थोड़ा टेपर हो जाता है, टेपर होने के बाद में कहीं पानी तो लगता नहीं है, कई जगह छांव भी कर देते हैं लोग, छांव करने से और भी सेफ्टी हो जाती है इस चीज़ की, खराब नहीं होती। तो ये जैसे पूरा फाउंडेशन है आप लगा के आते हो या फिर? हम साथ में जाते हैं, हमारे वहाँ लगाने तक की जिम्मेदारी रहती है, और जो गाड़ी का किराया करेंट चार्ज अगले का रहता है, और 1,61,000 में बनाते हैं, पेमल साथ में होती है। अच्छा, इसके साथ में? जैसे हाँ, ये 11.25 फुट की मूर्ति है। 11.25 फुट की है? हाँ। और इसकी लेंथ कितनी क्या? लेंथ ये 11.25 है, 11.25 लंबी है, 11.25 लंबी और 11.25 चौड़ी है। हाँ, और वो हाँ साथ में पेमल है, वो पेमल वाली, ये वाली एक 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 ये तो जो लगाम पकड़ने वाली वो है। अच्छा, वो तैयार हो रही है, वो तैयार हो जाती है। और ये पीछे वाली, ये भी साथ में? ये भी पेमल है, ये अंदर कोई लगाते हैं जैसे डाली भाई हो गई। अच्छा, हाँ। तो ये कॉस्ट कितनी बताई? 1,00,000? 1,61,000। 1,61,000 11.25। और वो जो पीछे 9 फीट की है? अच्छा, वो 1,30,000 में? 1,30,000 ये 9.25 फीट की? 9.25 फीट की है। हाँ। वो तो जितनी बड़ी चाहिए जितनी छोटी चाहिए उसके हिसाब से, उसके हिसाब से वो बताते हैं कि भाई हमारे इतनी इतनी चाहिए, वैसे मिल जाती है। कौन से एरिया में भिजवा सकते हो आप मूर्ति? अभी तो ये MP जाएगी 4 घोड़ी, एक वो साइड, एक ये एक और एक रामदेव जी घोड़ा, ये MP जाएगा। MP जाएगा? हाँ, मैं हालांकि लगा दी बहुत सारी, 300-400 मूर्तियाँ लगा दी। 300-400 मूर्तियाँ लगा चुके हो ना? हाँ। और ये कितने दिन लग जाते हैं इसको बनाने में आप? कम से कम 1 महीना लगता है, जैसे कोई अभी ऑर्डर देवे तो अब हमारा काम ये क्लियर होने के बाद में उसको शुरू करते हैं, उनका कम से कम 1.5-2 महीने का होता है। 1.5-2 महीने का? कितने लोग आप मतलब? कम से कम होते हैं 4-5 जने। 4-5 जने होते हैं तो फिर 1 से 1.5 महीने? 1 महीना भर? हाँ, 1 महीना भर लग जाता है। उसको पकाना भी पड़ता है, सीमेंट की चीज़ है ना, हर चीज़ पकाना पड़ता है, हर चीज़ मटेरियल देखना पड़ता है। तो जैसे कि आपका एक तो ना मोबाइल नंबर बता दीजिए किसी को अगर बनवानी हो तो इसके लिए। 9036-31-47-93 9036-31-47-93 किसी भाई को अगर मूर्तियाँ वगैरह मंगवानी हो तो भाई साहब से बात कर सकते हैं। चलो, वैसे बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।